नमस्कार, हिंद चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा, हिंद चैनल में टेक्सटाइल से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के साथ। खबर है पानीपत से। पानीपत में कॉटन और कॉटन यार्न में बेहद ऐसा वृद्धि होने से पानीपत के टेक्सटाइल निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अन्य देशों से नए ऑर्डर नहीं मिल रहे, पुराने ऑर्डर रद्द हो रहे हैं। यूरोपियन देशों के बहुत से खरीदारों ने डिलीवरी लेने के लिए देरी कर दी है। निर्यातकों को 4-5 माह बाद माल भेजने के लिए ईमेल मिल रहे हैं। पानीपत एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान ललित गोयल का कहना है कि इस वर्ष कपास के दामों में रिकॉर्ड तेज तोड़ी, आने वाले 4-5 महीनों में क्या स्थिति बनती है इस पर निर्यातकों की नजर लगी है। पिछले वर्ष नवंबर में रुई के दाम 120 रुपए किलोग्राम थे, जो 6 महीने बाद वर्तमान में 330 रुपए किलोग्राम तक पहुंच चुके हैं। पहली बार रुई का दाम इतना ऊंचा दर्ज किया गया। आयात के लिए ड्यूटी कम करने का भी लाभ नहीं मिल पा रहा। सरकार ने पहले रुई के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद अप्रैल में विदेश से कपास मंगाने के लिए आयात ड्यूटी हटा दी। इसका फायदा भी निर्यातकों तो नहीं मिल रहा, यान के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। पानीपत इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रीतम सचदेवा का कहना है कि जनवरी 2022 में ड्यूटी हटती तो आयात हो सकता था, तो विदेश से भी कॉटन महंगा ही आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद टीवी, सूरत।